स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी रेल यात्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको रेलवे की लापरवाही दिखा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब सीजन रहता है, उदाहरण तौर पर आपने देखा होगी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो रेलवे ने दोस्तों बहुत ज़्यादा लापरवाही की। मतलब जिस रूट पर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था स्पेशल ट्रेन निकालने को, तो उस रूट की वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल की और स्पेशल ट्रेन के नाम पे उस रूट को कुछ नहीं दिया गया है। हम बात कर रहे हैं सूरत और उधना जैसे रेलवे स्टेशन की। दोस्तों आपको पता होगा, संडे संडे को एक यहाँ से पैसेंजर ट्रेन जाती है उधना जयनगर स्पेशल, जो कि होली से अप्रोक्स 2 दिन पहले गई है। स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ न्यूज़पेपर के मुताबिक। उधना में ब्लॉक का दूसरा दिन अंत्योदय ट्रेन पकड़ने को उधना स्टेशन पे पहुंचे 7,000 यात्री और जिसमें 4,000 छूट गए। मतलब दोस्तों जो ट्रेन की कैपेसिटी केवल 2,000 लोगों को ले जानी थी, उसमें दोस्तों 3,000 लोग गए और 4,000 रेल यात्री छूट गए। मतलब दोस्तों आप इतना सोच सकते हैं कि एक साथ 7,000 रेल यात्री यहाँ पहुँच गए। और अगर हम बात करें सुविधा की, फैसिलिटी की, तो RPF की तरफ से भी ज़्यादा सिक्योरिटियाँ वहाँ नहीं तैनात की गई थी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक दो वीडियो आए थे जो मैंने देखे थे, मुझे पता चला ट्रेन चलते ही लोग उसमें चल रहे। मतलब आप सोच सकते हैं स्पेशल ट्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस रूट पे, लेकिन रेलवे की लापरवाही से स्पेशल ट्रेन निकला नहीं और ब्लॉक के चलते बहुत सारी ट्रेनें रद्द की गई। हालांकि रेलवे ने गरिमत ये रखी कि उधना जयनगर को कैंसिल नहीं की। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करें सूरत स्टेशन पर, दोस्तों सूरत स्टेशन से सूरत छपरा तापलिंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डेली जाती, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक दिन पहले मतलब 6 तारीख को दोस्तों 5,000 रेल यात्री पहुंच गए। सोचो 5,000 रेल यात्री पहुंच गए वो ट्रेन को पकड़ने के लिए सूरत छपरा तापलिंगा, जिसमें से 2,500 छूट गए। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हैं इस रूट पर इतनी ज़्यादा भीड़ और रेलवे ने स्पेशल के नाम पर कुछ नहीं चलाया। रेल यात्री यहाँ तक कि ये भी बोलता है, अब स्पेशल ट्रेन चला रहे हो तो हम उसका स्पेशल फेयर देने को तैयार हैं, लेकिन दोस्तों रेलवे ने कुछ नहीं चलाया। ये दोस्तों न्यूज़ जो आप देख रहे हैं ये 6 तारीख की न्यूज़ है। मतलब सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़, वही अगर रेलवे स्टेशन ने ट्रेन चलाई होती तो बहुत ज़्यादा कवर हो जाती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक रेलवे एम्प्लॉई को या फिर कोई भी अगर रेलवे से रिलेटेड वीडियो मतलब देख रहा है, अगर उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, बड़े बड़े महानगरों से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएँ। जैसे उदाहरण के तौर पर, और दोस्तों रेलवे ने एक उधना हिसार स्पेशल ट्रेन चलाई, वो भी 8 मार्च से जाएगी जब होली ख़त्म होगी। अब दोस्तों ने जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या फ़ायदा, सेम यही हाल रेलवे ने की। अब दोस्तों आज का दो न्यूज आया, आप देख सकते हैं, आज दोस्तों सिक्योरिटी एकदम ज़्यादा टाइट कर दी गई है। मतलब आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एकदम ज़्यादा टाइट कर दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा RPF के जवान तैनात किए गए हैं। मतलब दोस्तों एंट्री से लेके एग्जिट तक 100 से 150 पुलिस बल लगाए गए हैं, कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो मेरा रेलवे से यही मकसद है, जब घटना घट जाती है तो फिर आपको RPF लगाने से क्या फ़ायदा, स्पेशल में अगर आप ट्रेनें चला दोगे तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रेल यात्री चले जाएंगे। एक चीज़ दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जिस दिन कोई पैसेंजर या चालू ट्रेन या पूरी तरह से अनारक्षित जिसमें आप चालू टिकट लेके सफ़र कर सकते हैं, उस दिन अगर वो ट्रेन चलने वाली है तो उस दिन दोस्तों भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत सी रेल यात्री सोचते हैं चलो आज चालू ट्रेन जा रही है, कम पैसे में हम पहुँच जाएंगे, ये चीज़ें भी फ्रेंड ध्यान रखना। तो फ्रेंड रेलवे की ही कुछ लापरवाही जो कि रेल यात्रियों को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, वही दोस्तों हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले थे। क्योंकि दोस्तों सर्वर इतना ज़्यादा जाम चल रहा था, लोगों को कन्फर्म टिकट मिल नहीं पा रहा था और रेलवे स्पेशल में इस रूट पे कोई यूपी बिहार के लिए सूरत और उधना से स्पेशल ट्रेन निकाली नहीं थी, और निकाली है तो होली के बाद निकाली है, जिससे रेल यात्रियों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो इस वीडियो के बनाने से मेरा यही मकसद था कि आप देख सकते हैं सूरत और उधना जैसे बड़े महानगरों में क्या स्थिति है। मतलब दोस्तों यहाँ उत्तर भारतीय सबसे ज़्यादा रहते हैं जो कि ट्रेन नहीं है। आपने देखा होगा मुंबई दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों से डेली बेस पे 10-10, 15-15 गाड़ियाँ जाती, लेकिन सूरत से एक ताप्ती गंगा ही ऐसी ट्रेन है जो डेली यूपी बिहार जाती है, दूसरी एक अहमदाबाद बरौनी, और कोई ट्रेन ही नहीं जो कि यात्री यहाँ बहुत ज़्यादा है। बस फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था, मतलब ये रेलवे की कुछ लापरवाही मैं आपको बताने वाला था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे भारतीय रेल के अंदर हो रही हैं। मतलब दोस्तों अभी बहुत से ऐसे रूट है जहाँ पर रेलवे को स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत है, लेकिन रेलवे वहाँ पर स्पेशल ट्रेन नहीं चला रही। रेलवे का ये कहना था कि हम 4-5 उधना स्टेशन पे 4-5 प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा उतना से हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो वीकली एक्सप्रेस उतना सूरत से चलता है उसको हम रेगुलर करेंगे, रेलवे ने वो भी नहीं किया। दूसरी बात ये, इनको जम्बो ब्लॉक रखना ही था, जब त्यौहार नज़दीक आया तो उस समय जम्बो ब्लॉक रख रहे, इंटरलॉकिंग कार्य कर रहे जब त्यौहार नज़दीक आया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हम कैंसिल करें और रेल यात्रियों को यहाँ वहाँ भटकने दें। तो ये चीज़ें भी रेलवे को ध्यान रखना चाहिए, जब त्यौहार या फेस्टिवल सीजन नज़दीक आ रहा है तो जो भी इंटरलॉकिंग वाला कार्य है वो त्यौहार की बात करना चाहिए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस आपको यही बताने वाला था, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से कुछ पता चले कि इस समय हो क्या रहा है, भारतीय रेलवे की स्थितियाँ क्या है। IRCTC की सर्वर ख़राब, टिकट बुक भी नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, स्टेशन पर उतनी व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। और तीसरी बात, स्टेशन पे काउंटर भी लिमिटेड है। हालांकि आज रेलवे ने, जब ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ तो आज की न्यूज़ में आया कि रेलवे ने अलग से 2 काउंटर लगाए हैं, ताकि लोगों को कंफर्म टिकट मिल जाए। तो सभी रेल यात्री से मेरा एक ही निवेदन है, अगर आप चालू टिकट लेके जा रहे हैं, चालू टिकट तो लेंगे तो UTS एप्लीकेशन का यूज करें, लाइन से बचें। घर निकलने के बाद 5 किलो या फिर दोस्तों अभी 20 किलोमीटर दूर से ही आप चालू टिकट बुक कर सकते, घर निकलने से मतलब घर से निकलने से पहले ही आप बुक कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि ये सभी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि कभी भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करें तो कंफर्म ट्रेन टिकट ज़रूर ले लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें।